अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि सुबह मेरी यूनिट से मेरे टेलर की कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप आएँ और कुछ ड्रेसेस थे वो देख लें आकर के किस तरह के स्टिचेस हुए। वहाँ से वापसी पर हमारा प्लान बना कि मुझे नर्सरी जाना था, कुछ प्लांट्स वगैरह लेने थे। अपने घर का कॉर्नर था मेरा एक, मैंने उसको थोड़ा सा डेकोर करना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पास में मेरे घर के बिल्कुल पास ही एक नर्सरी है तो वहाँ चल के उसका विज़िट किया जाए, क्योंकि मैंने सुना था कि वो बड़ी अच्छी है और वहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो आए देखते हैं क्या है। लोग नर्सरी में, नर्सरी तो बड़ी प्यारी लग रही है, ये देखें आए कितने प्यारे प्यारे फूल, इतना प्यारा। अच्छा, जो यहाँ के अगर रेट्स की बात की जाए तो वो हाईली एक्सपेंसिव थे। सिर्फ ही इतना, ये इस तरह के फाउंटेन्स और जो दूसरी चीज़ें थी 1,20,085,000 और 75,000, 60,000, और ये वाला जो था वो कह रहा था 1,30,000 रुपये का था, और इतने महंगे थे कि बस मैंने देखने पे ही इक्तफा किया और मैंने सोचा कि मैं आगे देखूं। मैंने सोचा कि कुछ रीज़नेबल प्राइस में मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। और ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने इसको बड़ा क्लोजली इसकी वीडियो बनाई कि ऐसा हम, अब मैं ख़ुद भी तैयार ऐसे कर सकती हूँ। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आजकल अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं अभी अपने कामों से निकलती हूँ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वैसा या इससे मिलता जुलता कुछ क्रिएट करूँ। क्या रही है वाइट वाइट से? तो बस वहाँ से मैं दूसरी नर्सरी में आई हूँ। यहाँ से मुझे जो मुझे चाहिए थे प्लांट्स मुझे मिल गए और बस मैं अब घर की तरफ चल पड़ी हूँ। एक और भी वो छोटू मुन्नू सा वहाँ पड़ा। तो बस आते ही मुझे खाना पकाना था क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी बिरयानी की, और बस मैंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ मैंने ये अपना कॉर्नर सेट कर लिया था तो यहाँ मैंने अपना ये कॉर्नर सेट कर लिया था, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें हों तो आप अपना घर सजा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग दमूक लड़ाना पड़ता है और आप बहुत ही सस्ती सी चीज़ों से भी अपना घर सजा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये इंतहाई, ये जो मैंने लिया है इतना प्यारा सा, ये मुझे डक लग रही थी तो ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ लिया है 500 में, और अंदर उसके जो प्लांट था वो अलग मैंने 400 का लिया था। ये वाली चीज़ें जो थी ये मैंने पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी, और ये जो था मैं लेके आई थी दुबई ग्लोबल विलेज से, और ये मैंने बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसी तरह पिक कर ली थी यहीं से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो बस ये है कि साथ साथ मेरा खाना भी पक चुका था, बिरयानी भी तैयार थी, और अब मैं बिरयानी को कर रही थी मिक्स ताकि इसका जो है ना आपस में मिक्स हो जाए, और चावल भी बड़े अच्छे खिले खिले से बने हैं जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा होगा, और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाई। और सीरियसली मैं ख़ुद बड़ी हैरान थी कि कुछ भी मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट बिरयानी मसाला और चिकन और फ्राई प्याज अदरक लहसुन सब इकट्ठा मिक्स किया, टमाटर डाले और बस उसको भूना, और उसके बाद जो राइस थे वो मैंने डाल के बस ख़त्म, दैट्स इट, और कलर शलर दे दिया तो मेरी बिरयानी हो गई यहाँ पे तैयार। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। और प्लीज़ आप सब लोग जो देखते हैं मेरी वीडियोस को तो याद से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।